लेकिन नोट बदल जाने से जनता की स्थिति बदल नहीं जाती है। देखिए कट्टर जो लोग हैं वो लोग आज दुनिया को काट रहे हैं, बांट रहे हैं। स्पीच दे रहे हैं जिनकी हेट स्पीच से दंगे हुए, जिनकी हेट स्पीच से लोग मारे गए, कत्लेआम हुआ, लाखों लोग, हजारों लोग परेशान होते हैं, मारे जाते हैं, उनके घर जल जाते हैं, मस्जिदें टूट जाती हैं, वो लोग आज सत्ता के अंदर हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि आम जनता को न्याय मिलना चाहिए, जो लोग बोलते हैं कि मजदूरों किसानों को न्याय मिलना चाहिए, उनको उनकी आवाज उठाने के जुर्म में हेट स्पीच बोल के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये तो लोकतंत्र नहीं है, ये तो न्याय नहीं है। तो ये हम लोग बोलते हैं कि जनता की आवाज़ है वो क्यों नहीं उठ रही है। देखिए पहली बात तो मैं दलित शब्द इसीलिए हमें लोगों को यूज़ करना चाहिए क्योंकि दलित जो है जब उनको दलित बोल के मारा जाता है तो इसीलिए हमें दलित बोलना पड़ता है। जो भी आज सिर्फ ये बात नहीं है, अभी तक हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो आज तक जितने भी बीजेपी के लीडर हुए हैं, जितने भी कांग्रेस के लीडर हुए हैं, इन सब लोगों ने अपने अपने दम पे अपने अपने तरीके से कानून को तोड़ा मरोड़ा है और आज भी अपने अपने तरीके से कानून को तोड़ मरोड़ रहे हैं। और वो चाहे अभी ऑपरेशन समाधान के तरीके से हो, चाहे वो यूएपी के तरीके से हो, चाहे वो नई नई नीतियां जो लेके आ रहे हैं उसके तरीके से हो, आम जनता की बात कोई भी नहीं कर रहा है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि दलितों को भी सिर्फ एक वोट लेने के लिए खड़ा किया जाता है, लेकिन आज भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी पीने के लिए जब बच्चा जाता है उसको मार दिया जाता है, किस तरीके से सीधा सीधा लोगों के सामने खड़े होकर उनको नंगा करके मारा जाता है, उनकी महिलाओं के साथ रेप किए जाते हैं। जब वो रेप करे तब वो दलित नहीं होती हैं, लेकिन वो जब वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए तब वो दलित नहीं है, लेकिन जब वो उनका काम कर रही हैं, जब वो अपने हक मांग रही है तब वो दलित हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात तो वही कर रहे हैं और वही बात कर रहे हैं ऊंची नीची जात की, उन्हीं वही आरएसएस से निकले हुए। आरएसएस क्या बोलती है? आरएसएस, शिवसेना, जितने भी लोग हैं ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये बस कहीं ना कहीं जनता को धोखा देने की बात है। ये लोग जनता के खिलाफ काम करने वाले, साम्राज्यवाद के नीचे चलने वाले लोग हैं। साम्राज्यवाद आज क्या काम कर रहा है? सारी चीज़ें निजीकरण कर दी, सारी चीज़ प्राइवेट कर दी गई है, मजदूर जो है एक मशीन बन के रह गए हैं, किसानों को उनकी फसल का सही रेट नहीं मिल रहा है, जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो आज भूखे मर रहे हैं, उनको पढ़ाई नहीं हो रही। देखिए नोट बदल जाने से जनता की स्थिति बदल नहीं जाती है। हम लोगों को तो ये बोलना चाहिए कि जनता की स्थिति के ऊपर क्या हम कर रहे हैं? नोट के ऊपर फोटो बदलने से कुछ होगा क्या? आते बस ये तो ना एक इतनी खराब बात है कि छोटा बच्चा भी मतलब इससे अच्छी बात कर सकता है। कोई भी आईटीआई है लेकिन पढ़े लिखे गवार बोल सकते हैं, जो आम जनता को नहीं सुनते हैं, जो अपने ही जुमले बोलते हैं, जो भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो देते हैं। अभी अगर केजरीवाल से पूछ लिया जाए इनकलाब का मतलब क्या है, इनकलाब का सीधा सीधा मतलब है व्यवस्था का चेंज, जिसके अंदर कोई किसी को लूटे ना, कोई एक इंसान दूसरे इंसान की लूट ना करे, ये इनकलाब का मतलब। क्या केजरीवाल इनकलाब लेके आ रहे हैं? क्या मोदी जी इनकलाब लेके आ रहे हैं? क्या कांग्रेस इनकलाब लेके आ रही है? कोई इनकलाब नहीं लेके आ रहा, बस उनकी फोटो का इस्तेमाल किया जाए। आज तो क्रांति तो भगत सिंह ने बहुत शब्द यूज किया, क्रांति शब्द जो भी यूज कर रहा है वो बोलते हैं कि खून की बू आ रही है, दंगों की बू आ रही है। क्रांति और इनकलाब का शब्द तो यूज करने ही नहीं दिया जा रहा है। हम लोग तो लाल सलाम तक नहीं बोल पा रहे हैं, हम लोग तो इनकलाब जिंदाबाद तक नहीं बोल पा रहे हैं। जय श्री राम का क्या मतलब? मैं मेक्सिको में जय श्री राम क्यों बोलूं? मेरी मर्जी नहीं, मैं क्यों बोलूं? एक मुसलमान है वो अल्लाह अकबर बोलेगा, वो जय श्री राम नहीं बोलेगा। आप लोगों का कोई हक नहीं बनता कि उसको पीट के बोले जय श्री राम बोले, किसी के ऊपर कोई हक नहीं बनता कि वो उनको मारे पीटे। जिसका जो धर्म है, अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग चले, सभी जातों को, सभी धर्मों को अपना अपना धर्म अपनाने की बात रखने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन आज कौन आइडियल नेता है? केजरीवाल हमारे आइडियल नेता नहीं है, वो कुछ ही लोगों के नेता हैं जो करोड़पति हैं, जो बोलते हैं हम आम आदमी हैं, वो उन लोगों के आइडल है। जो कुछ हिंदू बोलते हैं जो बहुत ज्यादा ब्राह्मण हैं, बहुत ज्यादा अलीट हैं, अमीर हैं, उनके वो आइडल हैं मोदी जी। और कुछ लोग जो बोलते हैं कि देखिए कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया था, राशन बांटा था। देखिए कट्टर जो लोग हैं वो लोग आज दुनिया को काट रहे हैं, बांट रहे हैं। ईमानदार और कट्टर कभी एक नहीं हो सकते हैं। कट्टर जो दूसरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीधी और साफ बात ये है, आपके जितने भी सारे सवाल हैं वो आम जनता को लेकर नहीं है, वो सिर्फ कुछ मोदी और ऐसे लोगों के लिए है। व्यवस्था जो है, आप गाँव के अंदर देखिए जाके किसकी सरकार है, मेरी एक बात सुनिए, गांव के अंदर सरकार किसकी चलती है? समंतों की। समंत जो हैं पंचायतों के अंदर फैसले करते हैं कि भाई इनका बहिष्कार करेंगे, कोई इनको खाना पानी नहीं देगा,
पुलिस उनका साथ देती है और वही सामंत जो हैं, वही जो सामंत हैं, वो पूंजीपति बनते हैं और उन्हीं सामंतों से निकल के पुलिस में जाते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, उन्हीं सामंतों में से निकल के ये लोग बड़े बड़े मंत्री बनते हैं। अच्छा। नहीं, ये तो देखिए, किसी भी धर्म को अपनाने से या किसी भी धर्म को छोड़ जाने से कोई भी किसी का भला नहीं होता है। हिंदू धर्म के अंदर देखिए, अगर मैं बात करूँ, हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर दलितों को मंदिर के अंदर एंटर करने की, हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं लेकिन बौद्ध धर्म में जाके उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो जाएगी, महंगाई ठीक नहीं हो जाएगी, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल जाएगी। कोई सिख, मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं आज खुद सिख हूँ, पर मैं ये नहीं बोलती सब लोगों को सिख बनना चाहिए। सब लोगों को ईमानदारी से ये देखना चाहिए कि इंसान के लिए क्या जरूरी है। देखिए, मेरा जन्म एक सिख परिवार में हुआ लेकिन मैं अपने पूर्वजों से जाके नहीं पूछ सकती है। सिख धर्म की अगर मैं बात करूँ, सिख धर्म एक ऐसा वो धर्म नहीं था, एक ऐसी जो फौज थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई थी, जो भी जुल्म करते थे उनके खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन आज जाके वो धर्म बन गया है। बिल्कुल होता आया है, आज तक न्याय होता आया है, बिल्कुल काटा गया था। आज भी मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत गलत था। देखिए, हम लोग मानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर बहुत सारे लोगों ने उसका निरादर किया, उसको फाड़ा है और वो सरकार की चाल रहती है। लेकिन देखिए, पढ़े लिखे लोग तो ऐसे भी है, जब रॉकेट लॉन्च होना होता है, साइंस की बात करने वाले लोग, वो लोग पूजा करते हैं, वो लोग तो ये भी बोलते हैं, ये लोग तो बच्चों को मतलब साइंस पढ़ानी चाहिए, वहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री चेंज करके कि भाई पुराने। देखिए, ये ऐसी बातें जो है मतलब बहुत हंसी वाली बातें हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा हिस्ट्री बदल दिया गया है। आप देखिए, कोई भी आपकी हिस्ट्री को जुटला नहीं सकता है, जहाँ पे कितने लोगों ने आके दमन किया, कैसे सरकार बनाई, कैसे आर्यन लोग आए, कैसे मुगल आए, ये सारी चीजें बदली नहीं जा सकती हैं। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, लेकिन जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री वही रहे।